जय हिंद मेरे साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार टिकली सर में। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए, खासकर मैथ का एग्ज़ाम अच्छा जाए। और आप लोग भी मन लगा के बनाइएगा और बढ़िया से बनाइएगा, 100 में 100 कम से कम मैथ में लाइए। आप लोग को हमको उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग ये काम करिएगा, ठीक है। और जब भी आपको बनाने में हाथ दर्द कर ले तो आप लोग एक बार अपने माता पिता को याद कीजिएगा कि किस प्रकार से वो हमको बताए थे, किस प्रकार से हमको पैसा खर्चा करके बताए हैं, पढ़ाए हैं। तो इस प्रकार याद करके और फिर से कोशिश कीजिए कि एकदम बना के पूरा एकदम 100 में 100 नंबर लाएं, ठीक है। आप लोग के हम बता दें कि आप लोग को तो पता ही होगा कि अब एग्ज़ाम देने 9 बजे से पहले आप लोग को पहुँच जाना है, क्योंकि 9 बजे से पहले, 9 बजे के बाद में अगर जाते हैं तो आप लोग को एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग 9 बजे से पहले पहुँच जाइए अपना एग्ज़ाम सेंटर पर। और आप लोग 2 पेन लेकर के जाना है, जिसमें एक ब्लू और एक ब्लैक, 2 पेन अपना चॉइस के अनुसार ले लीजिए। और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का सामान होता है उसको लेके जाना अति आवश्यक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन दे देगा, ग्राफ दे देगा, तो आप लोग किस प्रकार बनेगा। तो ये 2 गो आप लोग एकदम याद करके भूलना नहीं है, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए और ग्राफ बनाने के लिए जो है सामग्री इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का लेकर के एकदम जाना है। और जिस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बताए हैं, सब्जेक्टिव बनाने के लिए बताए हैं, तो उसी प्रकार से बनाना है, तभी आप कामयाब होंगे, यानी कि 100 में 100 मार्क्स ला पाएंगे। तो जिस प्रकार से बताएं उसी प्रकार से बनाना है। अगर अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि कभी भी पूरा क्वेश्चन बनाना है, जो आ रहा है क्वेश्चन उसको भी बनाना है, जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको भी एकदम बढ़िया ही बनाना है, या 2 बार उसी को बना लेना है, एक ही क्वेश्चन को बीच में घुसा देना है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना अति आवश्यक है। अब हम आप लोग को बॉयज़ का सेंटर दिखाते हैं जो चंदा हाई स्कूल का दिया है, तो ठीक है चलिए देखते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल माई डियर फ्रेंड्स, और जब भी आपका मन घबराए, थोड़ा सा डर लगे, तो अपने हृदय पर ऑल इज़ वेल बोल दीजिए और खुशी खुशी एग्ज़ाम दीजिए, टेंशन नहीं लेना है। ये है हमारे चंदा हाई स्कूल का सेंटर, और अभी हम लोग इसमें इन करेंगे। और देखिए यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति है, और आगे एक गौरैया बाबा के, और दिया है जिस रूम में दिया है उस रूम को हम खुलवा कर देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको। यह है आपका राजकीय मध्य विद्यालय बैदराबाद प्रखंड अरवल, और यहाँ पे देखिए इसी आंटी लोग के द्वारा। तो चलिए हम आंटी से खुलवाते हैं और यहाँ पे रूम ओपन करवा रहे हैं। नंबर मिलावे पड़ा है ना आंटी, कि अब हम चंदा हाई स्कूल के जो रूम है उसको हम अब दिखाते हैं कि चंदा हाई स्कूल के कौन कौन सा रूम में दिया है। तो जैसे ही हम लोग सीढ़ी से चढ़ेंगे उसके बाद दाहिने घूम जाना है, और दाहिने घूमते के साथ फर्स्ट गेट है इसमें नहीं है, और सेकंड गेट है इसमें भी नहीं है। देखिए 85308 दिया है इसमें रोल कोड, और देखिए 85020 की बात करें तो यहाँ थर्ड गेट पर जैसे ही आइएगा 85020, और इसमें 234 रोल नंबर से लेकर के और 263 तक दिया है, और इसमें ही 202 को भी एक शामिल किया है, और टोटल स्टूडेंट की बात करें तो 32 है। चलिए आगे देखते हैं, आगे उसके बाद बाएं तरफ मुड़ना है, और उसके बाद ये फर्स्ट गेट है इसमें नहीं है, और यहाँ पे दिया हुआ है 85020 202 से लेके और 263 तक ले, इसमें भी टोटल स्टूडेंट 32 है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे 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 बात करें तो फिर इस रूम में दिया है चौथा रूम में 170 से लेके 201 तक ले, और इसमें भी टोटल स्टूडेंट 32 है, हर एक रूम में 32 32 स्टूडेंट है। आगे देखिए, आगे जब हम लोग आएंगे इसमें 8 क्लास लिखा हुआ है ऊपर सी रूम 3, और इसमें देखिए 85020 138 से लेके 169 तक ले, इसमें भी 32 स्टूडेंट है चंदा हाई स्कूल के, कमरा नंबर 3 दिया। आगे देखिए, देखिए यह है 202 से 233, और इसी में रोहित कुमार को दिया है, देखिए आप देख सकते हैं रोहित कुमार को यहाँ पे चेहरा मुस्कुराते हुए। और इस रूम को हम खुलवाते हैं तुरंत आंटी जी से, आराम से खोज लेते हैं।
देखिए यहाँ पे द्वितीय पाली, प्रथम पाली में देखना है, यहाँ से 202 से देखो, 201, 203, 204, यहाँ 205 दिया हुआ है, और यहाँ 206 है, यहाँ 207 है, 208 है, देख सकते हैं यहाँ 209 है, यहाँ आएंगे 208, 219, 220, 221 प्रथम पाली में देखना है, 222, 223, 224 प्रथम पाली में, और 225 सबसे अंतिम, और इसके बाद प्रथम बेंच है जिसमें में इधर 202 से दिया हुआ है, 202 से और यहाँ से 211 तक में, और इसमें देखिए 210 से स्टार्ट है और 211 है, 212 है और 213, 214 है प्रथम बेंच वाला पर, 215 है और यहाँ पे देखिए 216 है जो कि है रोहित कुमार का है, और ये 217 है, और इसी प्रकार से और दिया गया है, इसी प्रकार से और दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि 218 से में स्टार्ट है और टोटल बेंच की संख्या 18, 19, 20, 21, 22 इसी करके दिया हुआ है, और इसमें जो है 226 से स्टार्ट है, देख सकते हैं 26, उसके बाद 27, उसके बाद 28, 29, 30, 31, 32 इसी प्रकार से दिया गया है, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को टोटल बेंच है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अब किसका कहाँ होगा। हड़बड़ाना इसको बता दीजिए आंटी जी के, हड़बड़ाना उड़बड़ाना आराम से, बस आंटी जी बस का छुट्टी।